मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने चैनल डॉक्टर अंजलि होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने आज के इस वीडियो में हम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और ये हमारी बॉडी में कैसे बढ़ जाता है, इसके बढ़ने से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और होम्योपैथी कैसे आपकी मदद कर सकती है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक तरह का एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये हमारे ब्लड में बॉडी के अंदर लिवर के द्वारा भी बनाया जाता है और प्लस हम जो फैटी खाना खाते हैं उसके द्वारा भी ये हमारे बॉडी में जो है वो एंटर करता है या बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में एज अ कंपोनेंट रहता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि ये जो है वो कुछ हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में, विटामिन डी की प्रोडक्शन में, प्लस जो है हमारे बाइल सॉल्ट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बाइल सॉल्ट्स हमारे डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, फैटी सब्सटेंस जो हम खाते हैं उनके डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए इनमें इनके डाइजेशन में इनके प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। कुछ अमाउंट जो हमारे ब्लड में ज़रूरी होती है वो हमारे लिवर के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब हम ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं और हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसका लेवल बढ़ने से क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, ये उनके इंटरनल लेयर्स पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है और जिससे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, जिससे पूरी अमाउंट में ब्लड ऑर्गन्स तक या बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता और जिसकी वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर ये जो डेपोजिशन है कोलेस्ट्रॉल की, ये हार्ट की आर्टरीज में हो रही है, मींस कॉरोनरी आर्टरीज में हो रही है, तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर ये किडनी की आर्टरीज में हो रही है तब किडनी डिजीज़ के होने के चांसेस हैं, और अगर ये हमारे जो हैं आर्म्स एंड लेग्स हैं उनकी आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है देन सब्जेक्टिव सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जिन जिन आर्टरीज में ये डिपॉजिट होगा तो जिस ऑर्गन या बॉडी पार्ट को वो सप्लाई कर रही हैं तो उनके रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स बॉडी में आने स्टार्ट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में जो है वो प्रोटीन्स के साथ बाउंड होकर हमारे बॉडी में ये रहता है, तो इस कॉम्बिनेशन को लाइपोप्रोटीन्स कहा जाता है। हमारे बॉडी में चार तरह के कोलेस्ट्रॉल टाइप्स होते हैं, इनमें LDL मींस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ये चार कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिनका लेवल हमारे बॉडी में विद इन लिमिट्स रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये एक लेवल के बाद बढ़ जाते हैं देन ये आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले LDL है, तो ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो आर्टरीज में जो है डिपॉजिट होता है और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको लिवर तक लेके जाना रीजनरेशन के लिए, रिसाइकलिंग के लिए वहाँ तक इसको लेकर जाना। तो जो HDL है वो हमारे जो आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देता है, तो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं इनसे भी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, और देन ट्राइग्लिसराइड्स, तो इनका भी लेवल जो है वो विद इन लिमिट्स होना चाहिए। अब इनके कितने कितने लेवल होने चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं ये 100 to 130 होने चाहिए। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं उनका जो लेवल है वो 40
टू 60 मीन्स 40 से कम नहीं होने चाहिए और 60 तक हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनका वो भी 150 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और वेरी लो डेंसिटी है उनका भी 40 से ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए लेवल। तो ये इनके जो है वो नॉर्मल लेवल्स होते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं जब वो एक लेवल के बाद बढ़ जाते हैं, तो उनकी अगर जो क्वांटिटी है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाती है देन कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर जब हमारे पेशेंट हम क्लिनिक में आते हैं तो हम उनको कैसे हमें पता चलेगा कि इनका हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए, तो इनमें सबसे पहले जिन लोगों को बीपी हाई रहने लग जाता है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सांस फूलती है चलने से बैठने से, जो लोग मोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं उनमें चांसेस होते हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। तो इनको हम लिपिड प्रोफाइल करवाने के लिए कहते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है जो है वो बॉडी एक्स होते रहते हैं तो उनको एक बार कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साइंस होते हैं कि जो हमारी आइज हैं उनके आस पास स्किन टैग्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होते हैं, तो उन केसेस में भी हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए। तो इन केसेस में हम लिपिड प्रोफाइल करवाने के लिए कहते हैं जिसमें सभी के जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं एंड LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स इन सब के लेवल आ जाते हैं तो उनके बेसिस पे फिर मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि क्या कॉजेज हैं, क्यों ये हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, प्लस जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं और उनका बैठने का ज़्यादा काम है, मोटे हैं, कुछ मेडिसन्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं और इनके बढ़ने से जो है वो मीन्स हाई बीपी रहना और थकावट महसूस होना, सांस फूलना, ये कॉम्प्लिकेशंस, ये साइन एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। उसके बाद जो होम्योपैथी है वो आपकी कैसे मदद कर सकती है और कौन कौन सी मेडिसन्स हैं जो आपको देनी चाहिए, तो इनमें सबसे पहले तो मेडिसन है एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम लहसुन से बनने वाली मेडिसन है और ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में बहुत मदद करती है। इसको आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लाना है। फिर मेडिसन है क्रेटिकस। क्रेटिकस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती है, प्लस अगर जो हमारी आर्टरीज हैं उनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है तो ये उसको भी डिसॉल्व करने में हेल्प करती है और इसको हार्ट टॉनिक भी कहा जाता है। तो इसको भी बीच में आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। देन उसके बाद है गोटीरिया गुमेरी। ये मेडिसन मदर टिंचर के फॉर्म में आपको लेनी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेडिसन है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए, तो इसको आपने लेना है। इन तीनों मदर टिंचर्स को आपने 1/4 कप ऑफ वाटर लेकर तीनों के 10-10 ड्रॉप्स आपने डाल लेनी है और इसको आपने दिन में 3 बार लेना है। इसके साथ ही एक मेडिसन कोलेस्ट्राइनम 3x आपने लेनी है और इसकी 2-2 टैबलेट्स आपको दिन में 3 बार लेनी है। जो लोग मोटे हैं उनको पल्कीरिया कार 200 वीकली 1 डोज लेनी चाहिए। तो इन मेडिसन्स को आप यूज़ करें, प्लस आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करें। सिडेंट्री हैबिट्स जो हैं अगर आपकी तो उनको आप थोड़ा सा छोड़कर वॉक किया कीजिए और प्लस सेकेंडली आप नॉन वेजिटेरियन डाइट कम करें, अल्कोहल स्मोकिंग को आपको छोड़ना चाहिए और प्लस जो मींस फ्राइड खाना है, अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तब भी आपको जो है वो फ्राइड कम लेना चाहिए, तला हुआ कम लेना चाहिए, क्योंकि जो ये रिफाइंड ऑयल्स हैं या जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं इनसे ट्राइग्लिसराइड्स जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आप सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली भी ले सकते हैं, तो वॉक करें, पानी खूब पिएं, प्लस जो फास्ट फूड जंक फूड वो ना खाकर आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, तो प्लस इन मेडिसिंस को आप लेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत जल्दी विद इन लिमिट्स आ जाएगा। तो आगे भी आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आपके ब्लड में कभी भी नहीं बढ़ेंगे।
तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।